दोस्तों, आपकी अगर शादी नहीं हुई और चाहते हैं एक सुंदर विदेशी महिला से शादी करना, तो आपको एक बार इस देश का सफर करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ की महिलाओं को भारतीय पुरुष बहुत ही पसंद हैं, और जो भी भारतीय पुरुष इस देश में जाता है उसे देश में अपनी सपनों की राजकुमारी का साथ मिल ही जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आप देख रहे हैं अपने चैनल अनकवर ऑफिशियल को। हम बात कर रहे हैं एक बेहद ही सुंदर देश और वहाँ के लोगों के बारे में, जिसका नाम है बेलारूस। तो आइए जानते हैं इस खूबसूरत से देश के बारे में। बेलारूस की संस्कृति रूस से मिलती जुलती है, क्योंकि ये देश 1991 से पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब सोवियत संघ टूटा तो उससे अलग होकर एक देश बना बेलारूस। यहाँ के अधिकांश लोग रशियन भाषा बोलते हैं, जबकि कुछ पोलिश और यिडिश भाषा भी बोलते हुए देखे जाते हैं, लेकिन यहाँ की राष्ट्रीय भाषा बेलारूसी है। यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं और हर 100 में से 97 लोगों के पास नौकरी है। आप ये जानकर चौंक जाओगे कि बेलारूस में 40 के आसपास बैंक हैं, जिसमें से 39 तो सिर्फ प्राइवेट हैं और सिर्फ एक ही बैंक सरकारी है। बेलारूस का एरिया 26,600 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और पूरे बेलारूस की आबादी लगभग 91 लाख के आसपास है। यहाँ की 80% आबादी मूल रूप से बेलारूसी है, जबकि 15% में रशियन आते हैं। यूं तो बेलारूस में अनेकों सुंदर शहर हैं, लेकिन जब बात होती है देश की राजधानी की तो ये सम्मान मिलता है यहाँ के मिंस्क शहर को। साथ ही मिंस्क की यहाँ की सबसे बड़ी सिटी भी है। बेलारूस में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को बेलारूसी रूबल कहा जाता है और यहाँ का एक रूबल इंडिया के 33 रुपए के बराबर होता है। दोस्तों, अगर आप भारतीय हैं और किसी बेलारूस की महिला से शादी कर लेते हैं तो वहाँ की सरकार आपको पिता बनने की खुशी और बच्चे की देखभाल के लिए 13,000 रुपए देगी। साथ ही बच्चे की पढ़ाई और अच्छी परवरिश के लिए हर महीने माता पिता को 18,000 रुपए भी दिए जाते हैं, और वो भी 3 सालों तक। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस छोटे से देश में 2000 छोटी छोटी नदियां बहती हैं। 1986 में बेलारूस पर परमाणु हमला किया गया था, जिसमें पूरा का पूरा शहर ही तबाह हो गया था। बेलारूस में एक सिटी है पोलास, जिसे दुनिया के सबसे पुराने शहरों में गिना जाता है, और इस शहर को 2500 साल पहले स्थापित किया गया था। बेलारूस का इतिहास काफी दर्दनाक भी रहा है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यहां के कई लोगों की जान चली गई थी। वैसे तो यूरोप की सभी कंट्रीज की महिलाएं खूबसूरत ही होती हैं, पर रशियन महिलाओं की खूबसूरती का क्या कहना। बेलारूस की महिलाओं का भी खूबसूरत होना ये बताता है कि यह रशियन वंशभूत से आती है। आपको बता दे कि यहाँ महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। यहाँ के 60% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं और 30% में किसी भी धर्म को ना मानने वाले लोग रहते हैं, जबकि 10% में मिले जुले धर्म आते हैं। दोस्तों, बेलारूस की ज्यादातर इनकम कृषि से होती है और यहाँ पर इतना बेहतरीन क्वालिटी का आलू उगाया जाता है कि उसे पूरे विश्व में एक्सपोर्ट किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा डंपिंग ट्रक भी बेलारूस में ही बनाया गया है और इस डंपिंग ट्रक का नाम बेला 75,710 रखा गया है। बेलारूस में पर स्क्वायर किलोमीटर में 75 लोग रहते हैं। बेलारूस को महिलाओं का देश भी कहा जाता है, क्योंकि 75 पुरुषों पर यहां 100 महिलाओं की संख्या है। बेलारूस में गाड़ियां राइट हैंड साइड पर चलाई जाती हैं और फोन कॉल करने से पहले +375 मिलाना पड़ता है। वैसे तो राजधानी मिंस्क काफी खूबसूरत शहर है यहां का, लेकिन रोडनो विसिविक्स, ब्रिस्पिन्स, मैग्लेव और गोमेल टूरिस्ट की पहली पसंद बने रहते हैं। यहां ठंड काफी ज्यादा रहती है और स्नोफॉल अक्सर देखने को मिलती ही रहती है। इसके अलावा बेलारूस की नाइट लाइफ और यहाँ का फूड भी टूरिस्टों को खूब पसंद आता है। भारतीयों के लिए बेलारूस वीजा फ्री एंट्री देता है, इसलिए यहाँ आपको कई भारतीय भी रहते हुए दिख जाएंगे। इस देश की खूबसूरती, इतिहास और कल्चर को देखने हर साल लगभग 7 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर सिर्फ घूमने आते हैं, और यह कंट्री टूरिस्टों के लिए काफी सेफ भी है। तो दोस्तों, अगर आपको बेलारूस की हमारी यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको ऐसे ही अलग अलग देशों से जुड़ी जानकारी मिलती रहे।